चीन के अमीर स्वस्थ रहने के लिए पीते हैं ब्रेस्ट मिल्क और उसका हो रहा है विरोध, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्रेस्ट मिल्क मतलब औरतों का दूध, महिलाओं का दूध पीना कि नहीं पीना, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं होती रहती है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उसमें चीन के अमीर लोग ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क मतलब महिलाओं का दूध पीते हैं, वो खरीदते हैं और वो दूध पीते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स है, और उसका विरोध चीन में हो रहा है। क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क यदि अपने खुद के पार्टनर का लेते हैं तो आपको मालूम है कि वो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है या उसमें कोई खराबी नहीं है तो वो सेफ़ हो सकता है। मगर यदि अननोन कोई औरत का या कोई महिला का यदि आप ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, पीते हैं, तो पता नहीं उसमें से इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन हो सकता है इसमें साइटोमेगालोवायरस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस, ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। एबी लैंगर नाम की एक डायटिशियन है, ये अमेरिकन है, इन्होंने रिपोर्ट में दिया था कि ये ऐसा ब्रेस्ट मिल्क पीने में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, इसमें 93% एक रिपोर्ट में पाया गया कि 93% मिल्क में बैक्टीरिया थे मतलब विषाणु थे। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जब तक आपको पता नहीं है वो तब तक वो पीना नहीं चाहिए और वो सेफ नहीं है। मगर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एकेडमी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन, इन्होंने ये कहा है कि यदि वो मिल्क बैंक से यदि मिल्क लाया जाता है और वो सर्टिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मिल्क बैंक से ये नॉन प्रॉफिट मिल्क बैंक हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग मिल्क बैंक हो सकती है, जहाँ डोनर्स आते हैं, देते हैं, उसका पैसा लेते हैं तो इसमें से वो, और वो जब सर्टिफाइड मिल्क है तो फिर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन के अमीर जो लोग हैं वो औरतों का ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा वो चार्ज करती है औरतें, और वो देती भी है। ये औरतें चीन में एक सप्ताह की सेवा के लिए $2,000 से $4,000 चार्ज करती है, एक सप्ताह की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। नॉर्मली एक ऑर्डिनरी मतलब सर्वसामान्य महिला जो है वो 750 से 1 लीटर मतलब पौन से 1 लीटर जो है वो दूध प्रोड्यूस कर सकती है। तो वैसा भी ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे एजुकेशन रहता है कि नहीं ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो देना चाहिए। पर सब होने के बावजूद भी ऐसा पाया गया है कि अमेरिका में 10 से 32% औरतें ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को करती नहीं हैं। एक ऐसा मानना है कि ब्रेस्ट फीड मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो लोग अमीर है और जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बताते हैं कि जले हुए जख्म जो है मतलब जख्म हुई है जलने के वजह से, या आंखों की सूजन है, या डायपर रैश है, या कोई जख्म है, उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल किया तो वो जल्दी ठीक हो सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके लिए विरोध है, उसके काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है और कोई कंक्लूजन नहीं है। मगर कुछ नया फंडा चालू हो जाता है, कुछ तो भी नई फैशन चालू हो जाती है, कोई भी नया विचार चालू हो जाता है और वो भी चीन में शुरू हो गया है। जो मिल्क बैंक है वहाँ से बच्चों के लिए मिल्क आप खरीद सकते हैं जो सर्टिफाइड मिल्क है, और जो बच्चों की माँ नहीं है, जो बच्चों की माँ छोड़ के गई है, जो बच्चों को माँ दूध नहीं पिला सकती है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये मिल्क बैंक से मिल्क ला के उनको दे सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चाएँ होती रहती है। अमीर लोगों का एक नया फंडा उन्होंने चालू कर दिया है। तो ऐसे काफ़ी नए नए फैशंस बोलो या ऐसे ट्रेंड बोलो आते रहते हैं, और एक लोगों को जानकारी देने हेतु मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।